भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने भाजपा नेता अनिल बोंडे ने राहुल गांधी पर किए वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम इस वक्तव्य का समर्थन नहीं करते हैं, मगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किए वक्तव्य से जनता में रोष है। सभी पार्टियों ने मिलकर, इसके पहले भी हमने कहा है कि बयानबाजी महायुति के आपस में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनिल बोंडे जी इन्होंने जो बयानबाजी की है वो तो राहुल गांधी के खिलाफ है। राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार से अनिल बोंडे ने बोला है उसका समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का भी जो बयान आया है कि हम आरक्षण रद्द करेंगे, इसको लेकर जनता में चिढ़ है। ओबीसी समाज में एक बहुत बड़ा असंतोष है, SC ST समाज में भी असंतोष है कि राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण बंद करेंगे। इसलिए थोड़ा अनिल बोंडे जी के आरक्षण को लेकर वो संतप्त हुए हैं और सभी संतप्त है, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन महायुति के आपस में कोई भी टकराव नहीं होना चाहिए, महायुति में कोई भी लेवल तक कोई भी आपस में कोई भी ऐसी बयानबाजी न करे, ये भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है, हमारा भी स्टैंड है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को हमने कहा है कांग्रेस के ऊपर कुछ बात करें ठीक है और पार्टियों के बारे में, लेकिन महायुति के अंदरूनी बातें नहीं होनी चाहिए।